हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग जो है इस वीडियो के थ्रू आपके आने वाले उत्तराखंड एसआई के जो इम्पोर्टेंट आपके संविधान के जो एमसीक्यू हैं उसको लेके डिस्कस करेंगे। और अगले सितंबर को आप लोग के फिजिकल शुरू हो जाए वाले हैं, उसके लिए भाई आप लोग को गुड लक। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको संविधान का दिख रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द जो है किसे सम्मिलित नहीं करता है, यानी कि अनुच्छेद 25 के अनुसार इन चारों में से कौन हिंदू के अंदर नहीं जाने जाते या माने जाते हैं, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसियों को या सिखों को। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर लिखिएगा, अब मैं आपको आंसर इसका बताता हूं। तो बच्चों जो इसका आंसर है वो आपका है पारसी। अनुच्छेद 25 जो है वो बौद्धों को जैन मानता है, बौद्धों को हिंदू मानता है, जैनों को हिंदू मानता है और सिखों को भी हिंदू मानता है, लेकिन पारसियों को हिंदू नहीं माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के अंदर अलग से जो है वह आपके किसको रखा गया है, आपके क्या कहते हैं, बौद्धों को रखा गया है, जैनों को रखा गया और सिखों को रखा गया है। चलिए प्रश्न दो को पढ़ेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है, ठीक है, किसका विषय है, मतलब आपको बताना है। जैसे कि अगर आपने संविधान अब तक पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि तीन तरीके की आपकी सूची होती है। पहला होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा संघ सूची में जो जितने भी आपके विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है, राज्य सूची में जितने भी आपके विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, और संवर्त सूची में जितने भी आपके विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्यों दोनों को दिया गया है। यहां पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना, ठीक है, आर्थिक योजना जो है वो किस विषय के अंतर्गत आती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आर्थिक योजना किसके अंदर रखा गया है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सी, यानी कि समवर्ती सूचनी के अंतर्गत जो है वो आर्थिक योजना को रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, ठीक है, पुलिस, पहला हो गया आंसर पुलिस, या आपराधिक मामले, या रेडियो और टेलीविजन, या विदेशी मामले। समवर्ती सूची मैंने जैसे पहले बताया था कि इस सूची में जो भी विषय होंगे उनमें कानून बनाने का अधिकार आपका किसको मिल जाएगा, संसद को भी होगा और राज्यों की विधानसभाओं को भी होगा। तो यहां आपको बताना समवर्ती सूची में किसको रखा गया है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका आपराधिक मामलों को रखा गया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देंगे, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। आरंभ का बच्चों यहाँ पे बात की गई है जब 1950 में हमने इसको इंप्लीमेंट करवाया था, उस समय की बात की जा रही है कि उस समय जो है कितने अनुच्छेद थे, 440, 380, 395 या 270। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न तो आप में से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए अगर आपने थोड़ा बहुत भी कोई भी किताब पढ़ी है। तो इसका आंसर होगा 395। ये आपका सूची एक और सूची दो दिए गए हैं, आपको ये अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको मिलाना है। सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए, अनुच्छेद 14, 36, है ना, 74, 368 का संबंध इनमें से किससे है। सामने आप देख रहे हैं संशोधन प्रक्रिया हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, समानता का अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया आपके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करती है कि आपकी एक्यूरेसी खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें आंसर की तो आप लीजिएगा 30 सेकेंड लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होगा डी, यानी कि जो आपका डी आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 14 का जो संबंध है वो समानता के अधिकार से है, अनुच्छेद 36 का जो संबंध है वो आपके नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो
आपके समानता का अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरे 12 से लेकर कहाँ तक हैं, 35 तक दिए गए हैं। नीति निदेशक तत्व जो है वो 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। फिर आपका जो 74 है वो मंत्रिपरिषद है, और आपका 368 जो है वो क्या है, संशोधन या संविधान संशोधन प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं आपको कि अनुच्छेद 368 के तहत तीन प्रकार से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान में जब भी आप संशोधन करेंगे उससे जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी भी बदलना नहीं चाहिए, वरना ऐसे संशोधन को मान्यता नहीं मिलती है। प्रश्न 6 देखेंगे, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्न अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में एक को कि आप एक राज्य को का सृजन करने अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी चीज में अनुसूची में क्या करना पड़ेगा, संशोधन भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, रिकॉर्ड के तौर पर रखना पड़ेगा। तो इसमें से क्या हो सकता है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। 10 सेकंड का टाइम लेंगे आप लोग सोचने का कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए बच्चों आंसर की बात करता हूं मैं, तो इसका जो आंसर है वो है आपका पहली अनुसूची में आप क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। प्रश्न 7 को देखेंगे, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया, ठीक है, वो कौन सा इसमें से अनुसूची थी जो कि बाद में जोड़ी, क्योंकि शुरू में 8 ही अनुसूचियां थी, 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़ी गई। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अनुसूची थी जिसमें राज्य भूमि सुधार अधिनियम का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका रखा गया, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। 10 सेकंड का समय लेंगे आप। चलिए इसका जो आंसर है वो है आपका 9वीं अनुसूची। निम्न से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित है, नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया तीन प्रकार की सूची बता चुका हूं, संघ हो गया, राज्य हो गया, समवर्ती हो गया। इसमें से बताना है कि कौन सा चारों में से संघ सूची में नहीं आता, यानी कि तीन सब्जेक्ट ऐसे होंगे, तीन विषय होंगे जो संघ सूची में आते होंगे, एक नहीं आता होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसका जो आंसर है वो है आपका कृषि। कृषि जो है वो संघ सूची में नहीं आता है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आपको बताना है क्या है, कौन सा सही इसमें स्टेटमेंट है। चलिए इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका केवल 3 जो आपका कथन है बिल्कुल सही है कि संविधान संशोधन यानी कि 368 के द्वारा आपका 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में मेरा ऐप का लिंक है, वहां से आप टेस्ट सीरीज अपने SI के लिए परचेज कर सकते हैं जो कि हिंदी में बनाई गई है। प्रश्न 10 को देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार चेंज होता रहता है। खैर इसका मैं आंसर बता दूं, आपका डी आंसर है 463 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं।